चलो FW टेलर। हाय कैसा हुआ, बैठो। FW टेलर के बारे में पढ़ेंगे। एक तुमको पार्टी बोली थी ना मैं, अब तुम मेरा सुनो। अभी तो एक घंटा चिल मार गया है अपन। दस मिनट पढ़ा रही मैं, उससे एक मिनट ऊपर नहीं। वन टू थ्री वो भाई 7 मंथ्स कोई पार्टी नहीं मांगने का। कितना पैसा खर्च हो गया कंगाल हो गया अपन एकदम। अभी जाके बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती लग रहा। अरे तो आगे का फ्यूचर के खर्चे सोच के बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ता। अभी का बजट तो पूरा हिल गया। क्या हिल गया, मतलब रहा ही नहीं ऐसे तुमने बोला बोला तूने मन में बोला था ना अपने। हाँ FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये FW टेलर की स्टोरी सेम टू सेम हेनरी फ्यूल की जैसी। सेम सेम सेम। ये भी एक इंजीनियर था, बस ये अमेरिका से था और वो कहां से था, फ्रांस से। फ्रेंच से कहां से रहेगा, फ्रांस से था। वो कहां से था, ये अमेरिका का था। अब ये भी एक मैकेनिस्ट, तो ये भी क्या था, एक इंजीनियर था। क्या था, शांत रे, शांत शांत शांत, शांति शांति। ये कौन, ये भी एक इंजीनियर था। कौन था, ठीक है। ये काम वर्क करता था, स्टील वर्क्स में काम करता था। ये इसका भी क्या, सुनो सेम स्टोरी है हेनरी फ्यूल के जैसी। अरे शांत रो रे, सेम स्टोरी है हेनरी फ्यूल के जैसी। हेनरी फ्यूल जैसे, शांत रे। नहीं, हॉरर आती क्या तुम लोगों को, आती है हॉरर स्टोरीज, नहीं आती ना, सुनो फिर मेरा। झा लगा तुमचा, तुमची कधीच इच्छा नसते। चलो हॉरर स्टोरी बोलो, तो हॉरर स्टोरी बस। कोई सुनाने को तैयार है तो, मेरे को नहीं आती। कोई सुनाने का तैयार है तो मैं सुनने को तैयार हूं। कौन सुना रहा, कौन सुना रहा, कौन सुना रहा, वो उसने नाम क्या है उनके, धनंजय और धन। तुमने एक सजेस्ट किया था ना, आदि तुमको हॉरर स्टोरी, फिर गाय वो मेरे को नहीं आती। किसी को आती है, किसी को नहीं आती ना, फिर गाय वो सुनने गए तुमको। देखो आती है ना, चला तो चलो रियल लाइफ हॉरर स्टोरी बोलू क्या, एक्सपीरियंस्ड वाली। आवाज कम करोगे तो बोलूंगी ना यार। तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारे पास है क्या, है ना, बोलना। ए फैन बंद कर, नहीं बोला बहन
वापस गिरेगी नहीं जो तन्मय धनंजय तू बोल रहा है ना धनंजय आ इधर चल तू आ जल्दी आ धनंजय अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता बोल दे बंद करना वो लॉक करना लॉक करने का सिस्टम है अगर तुमको ऑन तो पता है ऑन देरिया बताओ ऑन देरिया ऑन पुणे में ऑन है पता है ना आउटसाइड वाले पुणे वाले ऑन बोलते जाते आउंध है तुम्हारा आउंध पता है ना एरिया वहां पे ना एक फ्लैट है जो एकदम फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट वहां पे 10,000 में वो रेंट पे देते मेन एरिया में वहां हाँ फ्लैट रे रे फ्लैट तो वो फ्लैट पे है ना मेरे फ्रेंड्स रहने के लिए गए थे एक चीप रेट में मिला था बैचलर्स लोगों को चीप चीजें पसंद आती है तो एकदम सस्ते में 10,000 में वो रेंट पे फ्लैट मिला था मेन सिटी में जहाँ पे आसपास के अगर 2 BHK उसको देखा तो 20+ रेंट है एंड ये अकेला 10 रेंट है वहाँ पे गए स्टार्टिंग का दिन एकदम ऐसा नॉर्मल 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 था फिर ऐसे ही गर्मी का टाइम था एक हम लोग वहाँ पे नाइट आउट था हमारा ऐसे चिल मतलब नाइट आउट था मॉर्निंग का टाइम हुआ हम सब सो रहे इट इज़ रियल लाइफ हाँ मतलब ऐसे कोई डरावनी नहीं है लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वहाँ पे हम सब सुबह के टाइम पे सो रहे हैं फैन वैन सब ऑन है हम मस्त सो रहे हैं मजा कर रहे हैं इस नींद में अचानक फैन बंद हमें लगा लाइट गई है पर मेरा वो जो जिसका फ्लैट था वो उठा उसने देखा अरे बटन बंद है वापस चालू किया सो गए थोड़ी देर से वापस फैन बंद है नहीं था बैचलर्स के घर में एसी रहता क्या ए हम गरीब है 100 रुपए कमाने वालों के यहाँ पे गया एसी मिलेगा क्या फैन मिल गया वही नसीब है हमारा वो फैन उसको डर लग रहा जिसने भी कमेंट किया उसको अब उसने ना तो फिर आओ कमेंट करने का उनको एक्सपीरियंस लेने दो ना फिर वापस से फैन बंद हो गया वापस उठा वापस बटन बंद चालू किया वापस ऐसे 3-4 बार हो गया सब उठ के बैठ गया फटी इन द सेंस फटी नहीं थी पहले तो फिर सेकेंड इंसिडेंस हुआ किचन में कोई भी नहीं था और अचानक से किचन के बर्तन गिरे लाइक लिटरली गिरे ओटे पे गिरे अंदर जाके चेक किया तो कोई भी नहीं ना चूहा ना कोई ना कोई नहीं दिख रहा फिर वापस जो जैसे था वहां सॉर्टेड लगा के आए वापस से गिरे कोई भी नहीं था फ्लैट पे जो मेरी एक फ्रेंड थी हम सब बाहर गए थे एक फ्रेंड रुकी थी बिकॉज वो उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा था वो फ्लैट पे रुकी थी कोई भी नहीं था फ्लैट पे कोई उसका डोर नॉक किया रूम का डोर लॉक ऐसे वहां पे एन नंबर ऑफ टाइम्स जो लोग वहां रहते थे उन्होंने इंसिडेंट ऐसे फेस किया फिर 6 महीने बाद फाइनली उन्होंने फ्लैट छोड़ दिया ऐसे नहीं कि उसने कुछ परेशान किया बट ऐसे नॉकिंग मतलब सिर्फ ये था कि हाँ यहाँ पे कोई रहता है एक अकेला नहीं है कोई और सोल भी यहाँ है बार बार डोर नॉक होना बाथरूम का डोर नॉक होना रात के टाइम पे जब सब सो रहे और बाथरूम का डोर नॉक होना ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था मैं वॉशरूम गई थी और डोर नॉक हुआ उठे तो सब सो रहे खर्राटे लेके कोई भी नहीं उठा था उसके बाद हम तो वो फ्लैट पे नहीं गए भाई वो लोग वहाँ 6 महीने रुके थे फिर उन्होंने वो छोड़ा तो पुणे में ऐसे काफी इंसिडेंट्स लोगों के साथ हुए हैं कहाँ वो फ्लैट पे पागल है था यू आर मोस्ट वेलकम यू कैन गो मैं नहीं जाके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारू हाँ ओल्ड टाउन थे ना ऑन गांव उसके वहाँ पे सोसाइटी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को और एरिया
एरिया याद है क्या? आउजी खाउजी पता है पुराना, आउजी खाउजी पुराना वहां का, वहां से थोड़ा ये साइड पे जाने का आप, ये साइड मतलब ये ऐसा कौन से साइड जाता, खड़की साइड, खड़की साइड जाने का। देन उसके आपको आगे थोड़ा सा आगे जाके ना आपके राइट हैंड साइड पे काफी ऐसे छोटे किराना शॉप्स दिखेंगे, उसको चिपक्के एक सोसाइटी चालू होती है। सोसाइटी के अंदर जाओगे साइड में पूरा एक ऐसा जंगल वाला मतलब खाली एरिया है, तो वहां पे सिर्फ झाड़ है, तो जंगल टाइप से एरिया है। वो एक ही प्लेस है जो खाली है, उसके बाजू की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी में, फ्लैट नंबर मेरे को याद नहीं, वो बिल्डिंग में एक ही फ्लैट है जो ऐसा है, फ्लैट नंबर याद नहीं रहे, पुरानी बात है। मैं रही नहीं, मेरा फ्रेंड रहता था, हम वहां गए। क्या एक और खजा नहीं है मेरे पास, एक हुआ एक बताया खत्म। मैंने तो बहुत बोला डरने का है, मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया डर नहीं लगता। और तो तेरे को पता है ना, वो ही भाग रहा होगा बाहर, उसको देख के भाग रहे होंगे लोग। तू मतलब तू खुद को बोल रहा है, तू ही है, तेरे साथ ही घूमता वो। है मेरे को याद नहीं, आधी अधूरी याद है, लोगों ने बोले वाली है, मेरा खुद का एक ही वो एक्सपीरियंस था, बाकी कभी नहीं हुआ।